शेर में हम देखेंगे कि मुरीद और अस्मा आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, जिसमें मुरीद जो है ना वो अस्मा को कहेगा कि भाई मैं आपसे ना एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, इस तरह की बातें करेगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ मुस्तफ़ा जो है ना उसके पास आएगी कुरैशी की सिस्टर, और वो आके कहेगी कि जिस काम के लिए तुम आए थे, मतलब जिससे बदला लेना चाहते थे ले लो, तो वो वहाँ पे साफ बता देगा कि मैं तो आपके भाई से बदला लेना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरा साथ देंगी? तो वो कहेगी हाँ बिल्कुल। साथ ही साथ वो कुछ शर्तें रखेगी, अब वो शर्तें क्या होंगी? एक्चुअल में जो वो आंटी जी है ना वो इसलिए मिली है मुस्तफ़ा से ताकि वो पता कर सके कि अमीन कुरैशी का कौन कौन दुश्मन है, कौन कौन लोग जो है ना अमीन कुरैशी को मारना चाहते हैं। तो वो ये सब कुछ जो है ना वो निकलवाना चाहती है मुस्तफ़ा से उसकी साथी बन के। उसके बाद वो बिल्कुल भी मुस्तफ़ा को जीने नहीं देगी बल्कि मुस्तफ़ा को मरवा देगी। डेफिनेटली अमीर लोग होते ही इस तरह से हैं कि वो कभी भी अपने वादे पे जो है ना वो पूरा नहीं उतर सकते हैं।